नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश के मशहूर डांसर धर्मेश येलांडे को लेकर इन दिनों एक खबर आ रही है और इसका खुलासा भी उन्होंने खुद ही किया है। दरअसल धर्मेश का उन्होंने मतलब शुरुआत की थी बूगी बूगी से साल 2007 में। धर्मेश ने इस बात का खुलासा भी हाल ही में एक शो के दौरान किया है। जब जावेद जाफरी और नावेद उस शो में पहुंचे तो धर्मेश ये सब याद करके बहुत भावुक हो गए। साथ ही जावेद जाफरी भी उनके उस पल को याद करके बहुत ज्यादा भावुक हो गए। आपको बता दें कि धर्मेश येलांडे एक बेहद ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और उन्होंने इस मुकाम को बहुत मुश्किलों के बाद हासिल किया है। तो ऐसे में धर्मेश येलांडे ने क्या कुछ कहा है अपनी पारिवारिक स्थिति पर और उन्होंने क्या कुछ कहा है, और उन्होंने ये भी बताया है कि जब उन्हें बूगी बूगी से जो पैसे मिले थे उसके बाद उन्होंने अपने परिवार का कर्ज चुकाया था। तो ये धर्मेश येलांडे ने क्या कुछ कहा है हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। डांस दीवाने 3 के धर्मेश येलांडे डांस इंडिया डांस से मशहूर हो गए, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उनके डांसिंग करियर की शुरुआत बूगी बूगी से हुई थी। डांस दीवाने 3 के मंच पर बतौर गेस्ट मेहमान बनकर आए जावेद जाफरी और नावेद के सामने धर्मेश ने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि किस तरह से बूगी बूगी में जीते हुए 5 लाख रुपयों ने उनके परिवार की मदद की। धर्मेश ने जावेद और नावेद से कहा, आपके शो ने मेरे लिए डांस का पहला दरवाजा खोल दिया था। धर्मेश की बात सुनकर जावेद जाफरी भी काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे इतनी खुशी होती है, उसे एक दरवाजे के बाद इतने दरवाजे खोल दिए तुमने, लोगों के दिमाग के दरवाजे भी तुमने खोल दिए। जब भी मैंने तुम्हें फिल्म में देखा मेरा दिल से दुआ निकली, हम खुशनसीब हैं जो हमें ऐसे टैलेंट को खोजने का मौका मिला। तो नावेद ने कहा कि मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हमारी वजह से शो नहीं है, हमारी वजह से कुछ नहीं होता, बेटा ऊपर वाला देता है, वो आपके नसीब में जो है वो आपको देता है। नावेद ने आगे कहा कि हमारी वजह से आप नहीं हो बल्कि आपकी वजह से हम लोग हैं, अगर आप जैसा टैलेंट नहीं मिलता तो हमारा शो नहीं होता। धर्मेश ने अपनी यादों को ताजा करते हुए कहा कि सर दरअसल मैं जो 40 लोग में सेलेक्ट हुआ था उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन उनमें से एक बीमार पड़ गया था। तब नावेद सर ने कहा कि 40 का टारगेट पूरा करना है तो धर्मेश को बुलाया जाए। हालांकि तब वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे। धर्मेश ने कहा कि उन्होंने बिना तैयारी परफॉर्म किया और अगले राउंड में सेलेक्ट हुए और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि धर्मेश ने उस वक्त शो जीतने से ज्यादा डांस सीखने उनके लिए ज्यादा मायने रखता था, उनके लिए वो वर्ल्ड कप जैसा था। वो जब खड़े थे तब उन्हें अचानक पता चला कि बूगी बूगी का शो वो जीत गए हैं, उस वक्त उन्हें 5 लाख रुपए मिले थे। धर्मेश ने कहा तब उनके पिता चाय का स्टॉल चलाते थे, उनके परिवार पर बहुत कर्जा था, उन्होंने उस 5 लाख रुपए से वो कर्ज चुका दिया था। आपको बता दें कि हाल ही में धर्मेश येलांडे कोरोना वायरस से भी पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने घर पर रहकर ही अपनी देखभाल की और अपने लिए सभी जरूरी एहतियात बरते। धर्मेश के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके चाहने वालों ने लगातार उनके ठीक होने की दुआ की और वो जल्द ही कोरोना वायरस से नेगेटिव भी हो गए। धर्मेश के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आते ही उनके चाहने वाले बेहद दुखी हो गए थे और उनके लिए लगातार उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। ऐसे में धर्मेश जब कोरोना वायरस से नेगेटिव हुए तो उन्होंने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके लिए लगातार प्रार्थनाएं और दुआएं की। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जमकर अपना कहर बरपाया है। इस वायरस की लहर के दूसरी लहर के दौरान कई लोगों ने अपनों को खो दिया है और ऐसा दुख उन्हें जिंदगी भर का मिला है जो कभी भी भर नहीं सकेगा। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत के कई दिग्गज कलाकार भी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में महान एथलीट मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया था, जिसके बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई थी। बॉलीवुड सितारों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया था और कहा था कि उनका चले जाना बहुत ही दुखदायी है। खासतौर से बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया था और उन्होंने कहा था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि आप आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह की बायोपिक भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का रोल प्ले किया था, जिसमें उन्होंने बहुत दमदार एक्टिंग की थी और वो इस वजह से पूरे देश और दुनिया में जाने पहचाने भी गए थे। मिल्खा सिंह ने भी उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की थी। वहीं मिल्खा सिंह ने अपनी इस बायोपिक के लिए 1 रुपया लिया था, जहाँ लोग अपनी बायोपिक के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं।
फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।